प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल महक इन द किचन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़। यह है बहुत ज़्यादा, इसको पतला नहीं किया है, ये खुश्क है, ये देखें। तो चलें अब हम इसे मिर्चियों में भर लेते हैं। ये देखें इस तरह से हम इसमें रखेंगे मसाला और इस तरह से हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये मिर्ची में अच्छी तरह से चिपक जाए। बहुत ज़्यादा भर भर कर भी नहीं लगाना है इसमें मसाला। देखें और ये वाली जो मिर्ची होगी इसे भी हम इस तरह से इसमें मसाला रखेंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे और फिर इस तरह से इसे बंद कर देंगे। इसी तरह से हम सारी मिर्चियों में मसाला भर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी मिर्चियों में मसाला भर लिया है। अब हम इसके लिए बैटर रेडी करेंगे जिससे हम इसे कोट करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, इसे मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ताकि नमक और मिर्ची इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे घोल लूँगी। हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक चाहिए। देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे इस तरह से घोलते जाएंगे। अब मैं और पानी शामिल कर रही हूँ इसमें। ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पिंच बेकिंग सोडा और 2-3 ड्रॉप मैं इसमें डालूँगी पानी के। और अब इसे भी अच्छी तरह से मैं घोल लूँगी।
ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हो गया है रेडी। ये देखिए इस तरह से हम मिर्ची को उठाएंगे और इस तरह से हम बेसन में से कोट करेंगे और इस तरह से पकड़ के हम इसे ऑयल में डाल देंगे ताकि इसका मसाला भी ना निकले। ऑयल को हमने 10 से 15 मिनट पहले ही रख दिया था मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए, तो ये गर्म हो चुका है। हमें ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालनी है मिर्ची। इसी तरह से हम सारी मिर्चियाँ फ्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं ऑयल में मिर्चियों को डाले हुए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। 15 मिनट में मिर्चियाँ तैयार हो जाएंगी और खूबसूरत सा कलर आने पर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं हम इन्हें फ्राई करते हुए, कितना खूबसूरत सा कलर इन पर आ चुका है। अब हम इन्हें इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर इसी तरह से मैं सारी मिर्चियों को फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मिर्चियाँ रेडी हो गई हैं, कितनी सॉफ्ट बनी हैं, बिल्कुल गल चुकी हैं ये अंदर से। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत जल्द रमज़ान भी करीब हैं, आप रमज़ानों में बनाइए। इफ्तार टाइम में भी लोग बनाते हैं पकौड़ों के साथ। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में हकींदर किचन को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।